हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोशनी और आज मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पनीर की सब्जी की रेसिपी, जिसे मैंने अपने एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे बनाया है। ये रेसिपी एकदम डिफरेंट है और बहुत ही डिलीशियस सब्जी बनती है, तो आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं स्पेशल मसाला इस सब्जी के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक पैन रख दिया है, आप कढ़ाई या पैन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 चम्मच धनिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 1 चम्मच जीरा। उसके बाद हम लोग कुछ इसमें खड़े जो मसाले होते हैं ना, वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 से 6 लौंग। उसी के साथ मैंने ले लिया है 5-6 काली मिर्च। उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे तेज पत्ता, मतलब जितने भी खड़े मसाले होते हैं ना फ्रेंड्स, वो सारे आपको लेने हैं और हल्के से रोस्ट करना है। उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब हम ये मसाला इस तरह से रोस्ट कर पीस कर सब्जी में ऐड करते हैं ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी में। तो अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑन किया और अब मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए हम मसालों को भूंजेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे मसालों से तो समझ जाइए कि मसाले तैयार हैं। तो आप जिस भी क्वांटिटी में सब्जी बना रहे हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे ये सारे मसाले लेने हैं। तो यहाँ पे अभी मैं 3 से 4 सूखी मिर्ची भी डाल रही हूँ और ये सारी चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट तक एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। तो ये मसाले अब रोस्ट हो चुके हैं, तो इसे मैं एक ग्राइंडिंग जार में निकाल लेती हूँ। ठंडा होने के बाद हम इसे पीस लेंगे। तब उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है कि सेम पैन में ये मैंने इस तरह से कैप्सिकम और प्याज को इस तरह से कट किया है, मतलब कैप्सिकम को इस तरह से और स्लाइसेस निकाले हैं मैंने प्याज के। और फ्राइंग पैन में मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा ऑयल, और ये जो हमने अब कैप्सिकम और ये ऑनियन लिया है ना, इसे हमें हल्का सा और ये करना है, सॉफ्ट करना है, बिल्कुल कुक नहीं करना है इसे। हमें 40-50% ही कुक करना है। तो एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे और हल्का सा इन्हें सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कैप्सिकम और ऑनियन को मैंने हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है और अभी मैं इसे साइड में रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब मैं सेम फ्राइंग पैन में थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर रही हूँ और अब मैं फ्राई करने वाली हूँ पनीर को। तो आप चाहें तो पनीर को फ्राई कर सकते हैं, या इस तरह से मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप बिना फ्राई किए भी पनीर अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बस इस तरह से मैं पनीर को हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। तो ये पनीर भी अब दोनों तरफ से हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसे निकाल के साइड में रख देते हैं और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सेम पैन में मैंने यहाँ पे 8-10 लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा अदरक के टुकड़े को मैंने इस तरह से छोटे छोटे कट करके इसमें डाल दिया है और 30 सेकेंड के लिए हम लोग इसे भूंज लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से लंबा लंबा रफली हमें कट करना है और उसे भी इसमें ऐड कर देना है और कवर कर प्याज को हमें 3 से 4 मिनट तक थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट टोमेटो ऐड करेंगे, टमाटर। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज़ का टमाटर इसमें ऐड कर दिया है। उसी के साथ में यहाँ पे 8-10 काजू ऐड कर देंगे, जो कि हमारी सब्जी की ग्रेवी को एक बेस प्रोवाइड करेगा। तो इसे भी हम कवर कर 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर देते हैं ताकि ये जो टमाटर और प्याज हमने इसमें जो ऐड किया है ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर अब सॉफ्ट हो चुके हैं, तो गैस का फ्लेम अब ऑफ कर देंगे, मसाले को हम लोग थोड़ा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो ये हमारा बेसिक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं एक्चुअल सब्जी बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है और उसमें मैं ऐड कर दूँगी ऑयल। तो ऑयल के साथ ही यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ा बटर। तो बटर और ऑयल मिक्स करके ये आप सब्जी बनाइए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बटर ऐड कर रही हूँ। ऐसे करने से क्या होता है कि बटर जलता भी नहीं है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है सब्जी में। तो ये जो हमने लास्ट में टमाटर और प्याज हल्का सा फ्राई करके जो तैयार किया था ना, उसे पीस के मैंने ऐसा उसका पेस्ट बना लिया है। तो सबसे पहले हम लोग उसे इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने ड्राई मसालों का पाउडर भी तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद ये मसालों से हल्का सा ऑयल रिलीज़ हो रहा है, तो मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने इसमें ऐड की है। तो मिर्ची हमने सूखी पहले मसाला जो हमने तैयार किया था सब्जी के लिए उसमें ऐड किया है, तो मिर्ची को डालते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है सब्जी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे हल्दी और मिर्ची पाउडर ऐड किया इसमें। अब हम इसे कवर करके अच्छे से ऑयल सेपरेट होने तक इसे कुक करेंगे। तो बीच बीच में चलाते हुए जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता है मसालों से, हम लोग इसे कुक करेंगे। अब मैं यहाँ पे जो मसाला मैंने तैयार किया था, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब वो मसाला ऐड कर दिया। बाई चांस आपका मसाला थोड़ा बच भी जाता है तो आप दूसरी किसी भी सब्ज़ी में उसे डाल सकते हैं, बहुत टेस्ट उससे बढ़ जाता है,
बहुत ही अच्छा वो मसाले का टेस्ट लगता है और खुशबू तो अब बहुत ही अच्छी आती है। आप जब ट्राई करेंगे ना तो आपको फील होगा। तो देखिए उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो कैप्सिकम और प्याज रोस्ट किया था ना हल्का सा, वो भी इसमें ऐड कर दिया। और सारी सब्जी चीज़ों को हम लोग इसमें ऐड कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसे कवर कर थोड़ी देर और कुक करेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि ये जो कैप्सिकम और प्याज हमने इसमें ऐड किया है ना थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। तो हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है प्याज को और कैप्सिकम को, नहीं तो इसका टेस्ट चला जाता है। तो हमें इस सब्जी में प्याज और कैप्सिकम को 80% तक ही पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले से किस तरह से ऑयल सेपरेट हो रहा है। तो मसाला हमारा अच्छे से कुक हो गया है और ये प्याज और कैप्सिकम भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसी स्टेप पे मैं पनीर को भी इसमें ऐड कर देती हूँ, ताकि पनीर में भी मसाला अच्छे से मैरिनेट हो जाए और बहुत अच्छा सा फ्लेवर मसालों को और सभी चीज़ों का पनीर में भी आ जाए। तो बस अब इस तरह से मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें क्रीम ऐड करेंगे, तो क्रीम आप यहाँ पे ज़रूर ऐड कीजिए। तो यहाँ पे मैं अमूल का फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ, इससे इसका सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। एकदम स्मूथ क्रीमी सा टेस्ट इसका लगता है। रेस्टोरेंट वगैरह में हम जाते हैं तो जैसे सब्जी मिलती है ना एकदम वैसा टेस्ट इसका आपको मिलेगा। थोड़ा सा कसूरी मेथी हम लोग इसमें डाल देंगे, अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिए। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो यहाँ पर पानी भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ी पतली ग्रेवी पसंद है, बट मैं इसे अभी ड्राई ही बना रही हूँ तो मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। 2 से 3 मिनट तक इसे कवर कर हम लोग और पका लेंगे। और उसके बाद हमारी सब्जी बनकर ऑलमोस्ट तैयार है। आप देख सकते हैं कि जब सब्जी से एकदम ऑयल रिलीज हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी ये पनीर की सब्जी एकदम बनके तैयार है और बहुत टेस्टी लगती है। रोटी पराठे या किसी भी पूड़ी किसी के साथ भी अगर आप खाएंगे तो ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो कभी किसी स्पेशल ओकेजन पे कभी कोई गेस्ट आए तो आप इस सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।